तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर लें मुनावर फारूकी एंड UK07 राइडर के बारे में। भाई मुनावर फारूकी दोबारा से ट्रोल करती है UK07 राइडर को। हाँ भाई, मुनावर फारूकी आज अपने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड करते हैं जिसमें कि उन्होंने UK07 राइडर को ट्रोल किया है, वो आप खुद देख लीजिए। तो हाय दोस्तों, ये है माय फिटनेस का लाला। मजा नहीं आया तो साहिल भाई के वीडियो देखा है माय फिटनेस के? ऐसा कुछ बना साहिल भाई, मॉडल वॉडल लेके आ जाओ वीडियो में। लड़की लोग से तो दूर ही रहे। क्या है ये बिजनेस में पीनट्स कमाने से अच्छा है पीनट्स का बिजनेस कर। रजाक भाई क्या लिख रहे हो तुम? ताई तकलीफ है तो फिर डांस रील बना ले, कच्चा बादाम। हाँ बादाम इसमें भी है, बट नहीं यार कच्चा बादाम नहीं, कुछ क्रिएटिव कर। तू साहिल भाई को कॉल कर। अरे मुन्ना माय फिटनेस पीनट्स। अरे जानते नहीं हम तुम्हारे को। तो भाई जैसे कि आपने देखा, भाई मुनावर फारूकी ने अपने रील के एंडिंग वाले पार्ट में सारी उम्र में जोकर जिया बना रहा सॉन्ग लगाया है जो कि UK07 राइडर को ट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए भाई अभी हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है सौरभ जोशी के बारे में। तो भाई जो सौरभ जोशी के पापा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हाँ भाई, वो अपने रिसेंट ब्लॉग में दिखाए ना इसके बारे में, वो आप देखिए। इनका मुंह देखो। ये क्या कर रहा? कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? दूसरे कैमरे में देखेगा वो। फेंक दिया, फेंक दिया भाई साहब। इतना गुस्सा टूट जाता तो लगी मेरी, बता दे वो कितनी जोर से लगी। टूट जाता तो अगर अगर मेरी कमर टूट जाती तो कोई बात नहीं, दोबारा नहीं ले आते। जान 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 भी थोड़ा मारा उसने। जान मैं उसके ऊपर गिर जाता, घर में नहीं चलाना चाहिए था। मैं उसके ऊपर गिर जाता मान ले, उसकी तो टूट जाती ना कमर। तो चलिए भाई अभी हम लोग बात कर ले नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट भी है UK07 राइडर के बारे में। UK07 राइडर आज अपनी इंस्टा स्टोरी पर हमसे कुछ हेल्प मांगे, वो आप देखिए ना। यार एक सिचुएशन में फंसे हैं आपके बाबू भैया और आपके सजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं आपको पूरी सिचुएशन बता देता हूँ। मैं दुबई आया था दो सुपरा देखने के लिए। एक ही सुपरा देखी थी पहले तो, ऑरेंज वाली, एंड वो ऑरेंज वाली देखी एकदम गाड़ी ओके ओके कंडीशन में थी। पहले वाली भाई ने वो देख ली थी, बट मैं जब पर्सनली यहाँ चेक करने आया ना तो उसकी कंडीशन वॉज लाइक, क्योंकि इट्स अ सुपरा MK4, बहुत रेयर है। इट्स 1993 or 1994 मॉडल, सो यू नो बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है। इतनी ज़्यादा रेयर गाड़ी की कंडीशन यू नो सही होना बहुत ज़रूरी है। एक और सुपर हम लोगों को मिली है MK4 वाइट, एंड वो जो MK4 वाइट है ना गाइस, उसकी कंडीशन A1 है। ट्रस्ट मी, मैं वो गाड़ी देख कर के आया हूँ, बट वो गाड़ी ना लाइक फुल स्टॉक है। सो एक जगह हम लोगों को मॉडिफाइड मिल रही है और एक जगह हम लोगों को स्टॉक गाड़ी मिल रही है, बट जो स्टॉक वाली गाड़ी है ना उसकी कंडीशन A1 है। सो मेरे को बताओ यार, क्योंकि अगर हम लोगों ने ऑरेंज वाली ले ली ना तो फ्यूचर में कभी भी। तो फिर मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि भाई ऑब्वियसली बात है हमें इसे इंडिया लेकर के आनी है, एंड ये जो सुपर है ना ये राइट व्हील ड्राइव है, तो मैं इसे फुल कस्टम इंपोर्ट करवा रहा हूँ। कारने वाला सीन नहीं है, इसे हम लोग परमानेंटली इंडिया में सुपर MK4 इंपोर्ट कराएंगे, एंड ये जिंदगी भर तक हमारे साथ ही रहेगी। मेरी बात भी हो चुकी है। सो मेरे को अब बताओ कि वो स्टॉक वाली लेकर के हम लोग एक पूरी जीरो से मॉड कराएं, और जैसा हम लोग चाहेंगे ना वो वैसी मॉड होगी, एंड वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। तो फिर वी रियली नीड इट इन द मेंट कंडीशन, या फिर वो ऑरेंज वाली उठा लें, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कब किधर लग जाए। तो बताओ मेरे को प्लीज़ सजेशन, रिप्लाईज आर ओपन, बताओ। तो हाँ भाई आज की वीडियो यही पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यहाँ पे आपको इसी यूट्यूब कम्युनिटी की अपडेट मिलते रहती है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।